हेलो मेरे चूहे एंड चूयाज। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले चूहों को फंसाने वाले चैप्टर के बारे में, मतलब उस चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप, जो कि हमारे फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 4 है। और तुम लोग क्लास 12 के बच्चे हो। सॉरी सॉरी, क्लास 12 में बच्चे नहीं होते ना, गलती गलती से निकल गया। अब इसके लिए कमेंट सेक्शन में मार मत कर देना। और हमारे इस प्यारे से एकदम नन्हे मुन्ने दुलारे से चैप्टर की जो राइटर है ना, उनका नाम है सेल्मा लेगरलॉफ। आउच, काफी तगड़ा नाम है यार। यार ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं मेरे गली के सामने? एक तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, जब करने बैठता हूँ तो कुत्ते भौंकने लगते हैं। ओके ठीक है। तो हमारा ये जो स्टोरी है ना, प्यारा सा स्टोरी, ये एक गरीब इंसान के ऊपर है जो कि रैट ट्रैप सेलर था, मतलब रैट ट्रैप बनाता था। अब वो कैसे बनाता था, उसके पास पैसे कहाँ से आते थे, ये पहले बात कर लेते हैं। तो देखो, वो भीख मांग के पैसे इकट्ठा करता था और किसी किसी दिन उसे फार्म में पड़ा हुआ रैट ट्रैप का सामान भी मिल जाता था, जिससे वो पतले पतले तारों को जोड़ के रैट ट्रैप बना देता था। ठीक है। और ये जो काम था ना, ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम नहीं था, तो उसे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं था। और क्योंकि ये काम उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, तो वो छोटी मोटी चोरी भी करता था ताकि वो जिंदा रह सके, खाना पीना खा सके। ऑब्वियसली सबको लाइव वोट के लिए कहीं से तो कमाते ही है ना यार। वो काफी फटे पुराने कपड़े पहनता था, वो काफी माल न्यूट्रिशंस भी था कि उसके चिक्स काफी दब गए थे। तो ऑथर बता रही है कि तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना डिफिकल्ट लाइफ होता है उस वेगा बॉन्ड का। अब यहाँ पे वेगा बॉन्ड क्या है, तो देखो याद रखना, इस चैप्टर में जो रैट ट्रैप सेलर है ना, उसको पैडलर और वेगा बॉन्ड से भी डिनोट किया गया है। तो वेगा बॉन्ड का असली में मीनिंग क्या होता है, ऐसा इंसान जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, जो गरीब इंसान है बेसिकली समझ लो, जिसके पास कुछ भी नहीं है। वो जो रैट ट्रैप होता है ना, वो एक दिन सोच रहा होता है, वो क्योंकि वो कुछ काम वाम तो करता नहीं है, बस रैट ट्रैप बनाता है और दिन भर इधर उधर घूमते रहता है। तो उसके पास काफी खाली टाइम होता है कि वो बहुत कुछ सोच सके। तो वो एक दिन ऐसे ही सोच रहा होता है कि ये जो पूरा दुनिया है ना, वो एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। मतलब कि हमारे वर्ल्ड के अंदर जो लैंड है, सीज है, सिटीज है, विलेज है, ये सारे एक बहुत बड़े रैट ट्रैप है। और इस दुनिया के अंदर जो भी चीज है ना, मतलब लैंड, सी, ये सब जो भी चीज है, ये सब एक पर्पस को पूरा करती है, जो कि है बीट्स को लगाना। और यहाँ पे बीट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे रैट ट्रैप के अंदर हम चीज लगाते हैं ना, जिसके कारण एक चूहा के फंसता है, वैसे ही लैंड, सीज और ये सब भी वही पर्पस को फॉलो करती। और ये सारी चीज इंसानों के लिए रैट ट्रैप है। अब यहाँ पे पैडलर बताता है कि इंसानों के लिए जो बेट्स है ना, वो क्या है। तो यहाँ पे इंसानों के लिए जो बेट्स है, वो रिचेस है, जॉयज है, शेल्टर है, फूड है, हीट है, क्लोदिंग है, ये सारी चीज जो इंसानों के लिए है, वो बेट्स है, वो चीज का काम करती है। जैसे चीज रैट्स को फंसाती है ना, वैसे ये सारी चीज जो है, क्लोदिंग हो गया एंड दिस ऑल थिंग, ये सब इंसानों को फंसाती है। फिर पैडलर बोलता है ये सारी चीज इंसानों को अट्रैक्ट करते हैं, और जैसे इंसान इन सब चीज के पास जाता है, इंसान इन सब चीजों को पाने की कोशिश करता है, तभी रैट ट्रैप बंद हो जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे पैडलर ये कहना चाहता है कि जैसे कि एक रैट जो होता है ना, वो चीज के लालच में रैट ट्रैप के अंदर आता है और फंस जाता है, उसी तरह इंसान भी होता है, वो इन सभी चीजों के लालच में आता है, जैसे कि क्लोथिंग्स हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, इन सब चीज को पाने के लिए लालच में आता है और वो भी अंदर आके फंस जाता है। यहाँ पे राइटर बता रही है कि रैट ट्रैप लोगों के बारे में, इस दुनिया के बारे में इतना बुरा इसलिए सोचता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब था, और वो जो दुनिया वाले लोग थे ना, उसके तरफ कभी काइंड नहीं हुए, कभी उससे अच्छे से बात नहीं किए और उसे कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किए, और वो गरीब भी था, इसलिए उसे ये सब सोचना अच्छा लगता था कि कैसे इस दुनिया के लोग एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। फिर राइटर बता रही है कि इसी तरह वो एक शाम को चलते हुए जा रहा था, तभी उसे एक ग्रे कलर का कॉटेज दिखता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना वो ओनर से पूछ ले कि क्या वो रात भर वहाँ पे रुक सकता है। और यूजुअली जो लोग होते थे ना, वो उस पैडलर को, मतलब उस रेड ट्रैप सेलर को भगा देते थे, क्योंकि कोई भी एक ऐसे इंसान को क्यों अपने घर में रखेगा जो कि गरीब है, प्लस उसका कोई घर नहीं है और वो रैंडम रोड पे घूमता है। मतलब समझ सकते हो ना, डर लगता है कि कोई चोरी वोरी ना कर ले, कुछ कांड ना हो जाए घर पे। पर इस बार कुछ अलग होता है, वो जैसे ही उस घर को नॉक करता है ना, तभी उसके अंदर से वो आदमी निकलता है, और वो इंसान काफी हैप्पी था उस दिन, वो बुरा नहीं मान, मतलब वो गुस्से मूड में नहीं था। तो वो उस रैट ट्रैप सेलर को देख के काफी खुश होता है, और वो एक बूढ़ा इंसान था जिसका कोई वाइफ और बच्चा नहीं था, इसलिए वो खुश था कि चलो अच्छा है कि आज उसके साथ कोई बात करेगा, उसके साथ थोड़ी देर कोई बैठेगा। इसलिए वो जो इंसान होता है ना, वो उस पैडलर के लिए, या फिर रैट ट्रैप सेलर भी कह सकते हो, उसके लिए डिनर तैयार करता है, और दोनों साथ में मिलकर स्मोक भी करते हैं, और दोनों मिलकर साथ में एक कार्ड वाला गेम भी खेलते हैं, मतलब ताश पत्ता समझ लो। और वो जो इंसान था ना, वो ओल्ड मैन जो था, वो काफी काइंड और जेनरस था उस पैडलर के लिए। और उस इंसान ने एक्चुअली एक सीक्रेट भी रिवेल किया था पैडलर को। उसने बताया कि वो पहले के टाइम में रामजो आयरन मिल में काम करता था, और फिर जब वो काम करना छोड़ दिया ना, तब उसके पास एक काउ थी जिसने उसका बहुत ज्यादा सपोर्ट करा, मतलब जीने में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूध देती थी, जिसके मदद से वो काफी ज्यादा पैसा अर्न कर लेता था। वो बताता है कि जिसके कारण लास्ट मंथ ही उसे 30 क्रोनोस का पेमेंट भी मिला था उस काउ के वजह से। और वो जो पैडलर था ना, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक बूढ़े इंसान को इतना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, मतलब 30 क्रोनोस मिल सकती है। सब कहने के बाद वो जो ओल्ड मैन होता है ना, वो विंडो के पास जाता है जहाँ पे लटका हुआ था 30 क्रोनोस रुपए, मतलब
10 करोड़ रुपए के नोट लटके हुए थे शायद, हाँ शायद क्या वही लटके हुए थे, और वो वहाँ से निकाल के लाता है, उस पैडलर को दिखाता है और वापस जाके वहीं पे टांग देता है। फिर अगले दिन वो जो क्रॉफ्टर होता है, क्रॉफ्टर मतलब वही बूढ़ा आदमी, वो जल्दी उठ जाता है, और वो जल्दी इसलिए उठता है क्योंकि उसे गाय का दूध निकालने जाना होता है, और क्योंकि वो इंसान जल्दी उठ जाता है वो बूढ़ा इंसान, तो वो रैटरप सेलर को भी जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली उसके भरोसे तो वो क्रॉफ्टर घर छोड़ के जाएगा नहीं। और उसे भी बुरा लगता है कि मतलब बुरा नहीं लगता है, अजीब लगता है कि ऑब्वियसली घर का मालिक बाहर जा रहा है तो वो घर पे कैसे रहेगा। वो क्रॉफ्टर को गुड बाय बोलता है और थैंक्स बोलता है, और उसके कुछ घंटे बाद वो वापस आता है और वो विंडो के पास खड़ा होता है, विंडो का ग्लास तोड़ता है। मैं किसका बात कर रहा हूँ तुम्हें पता है ना, वो रैटरप सेलर, वो पैडलर के बारे में। वो वापस आता है कुछ घंटे बाद और खिड़की तोड़कर वो जो पाउच होता है जिसमें 30 क्रोनोज रखे हुए थे, मतलब 3 10 क्रोनोज के नोट, उसे खींच के निकाल लेता है, पैसा वापस निकालता है और पाउच को वापस वहीं पे टांग देता है ताकि शक ना हो। यार कितनी हंसी वाली बात है, मतलब ऑलरेडी वो ग्लास का शीशा तोड़ चुका है, मतलब शीशा तोड़ चुका है, अब शक ना होने की कौन सी बात होती है। वो जो पैडलर होता है ना, वो काफी अच्छा फील हो रहा होता कर रहा होता है, वो सोचता है वो कितना स्मार्ट है, वो कितना इंटेलिजेंट है कि उसने 30 क्रोनोज के नोट्स को चोरी कर लिया है। और फिर वो पब्लिक हाईवे जाने की जगह, मतलब जाने की जगह वो चूज करता है कि वो क्यों ना जंगल भाग जाए, वहां पे उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि अगर वो हाईवे से गया तो हाँ चांसेस तो है ना कि कोई उसे पकड़ ले, तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। पर वो जो फॉरेस्ट होता है ना, वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, वो सोचता है कि वो क्यों ना एकदम सीधे डायरेक्शन में जाए ताकि वो कहीं भटके नहीं, बट वो बार बार घूम के खो जा रहा था और एक ही जगह पे वापस आ जा रहा था। देखो पहली बात वो फॉरेस्ट के अंदर खो गया था, और दूसरी बात जब वो सीधा जाने की कोशिश करता था ना, तो वो घूम के वापस एक ही जगह पे पहुंच जाता था। इस कारण से उसका काफी ज्यादा हालत खराब हो गया था, और फिर वो अपने ही थॉट के बारे में सोचता है कि कैसे वो सोचता था कि ये पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है, और वो खुद भी अब उसी रैट ट्रैप के जाल में फंस चुका है। और अब उस पैडलर को ये फॉरेस्ट जो था ना, वो एक जेल जैसा लगने लग गया था, और क्योंकि वो दिसंबर का टाइम था, काफी ज्यादा ठंड भी लग रहा था, उसका हालत भी काफी खराब था, और काफी ज्यादा रात भी हो गया था, तो उसे लगने लगा था कि अब उसके मौत का वक्त तो हो गया है बबुआ। तो फिर वो हार मान के लेट जाता है कि चलो अब मर ही जाते हैं। मरने का एक्टिंग करने लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो बस लेट जाता है। तभी उसे आयरन स्ट्राइक करने की आवाज आती है, तभी वो समझ जाता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये आवाज कहीं और से नहीं आ रही है बल्कि आयरन मिल से आ रही है जो कि फॉरेस्ट के पास ही था। इसलिए वो वापस स्ट्रेंथ को इकट्ठा करता है, जोश इकट्ठा करता है, और वापस से उठता है, वापस चल जाता है, मतलब वापस नहीं चल जाता है। वो उस आयरन मिल के पास चल जाता है, और वो आयरन मिल का नाम कुछ और नहीं था बल्कि रामजो आयरन वर्क्स था। एक सेकंड में प्रोनाउंस सही किया ना। और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी जिसके अंदर स्मेल्टर्स थे, रोलिंग मिल थी और फोर्ज थी। मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है, बस तुम लोग याद रखना फोर्ज, स्मेल्टर्स और रोलिंग मिल। मतलब बेसिकली समझ लो कि इस मिल में पूरा आयरन को प्रोसेस करने का प्रोसेस चलता है, और वो जो मिल था ना उसके अंदर बहुत ज्यादा शोर शराबा चल रहा था, इसलिए तो पैडलर को आवाज सुनाई दे देता है और वो वहां तक पहुंच जाता है, और इसलिए उसे बिलीव होता है कि चलो उस मिल के अंदर, मतलब उस जगह के अंदर कोई इंसान और भी होंगे। और जैसे ही पैडलर उस मिल के अंदर पहुंचता है ना, तब भी किसी का भी ध्यान पैडलर के ऊपर नहीं पड़ता है, मतलब ब्लैकस्मिथ का भी ध्यान पैडलर के ऊपर नहीं पड़ता है, मतलब आयरन मास्टर को ये नहीं पता चलता है कि वो जो पैडलर है वो फोर्ज के अंदर आ चुका है। उसके बाद जो पैडलर होता है ना, वो फर्नेस के पास जाके खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे भी गर्मी चाहिए थी, ठीक है, और क्योंकि वो पैडलर काफ़ी ज़्यादा भींगा हुआ होता है ना, तो वो इसलिए वो वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे गर्मी चाहिए था, ऑब्वियसली मैंने बता दिया। और फिर वो जो आयरन मास्टर होता है उसे परमिशन भी मांग लेता है, अब आयरन मास्टर उसको देख लेता है और परमिशन भी दे देता है कि हाँ भाई सो जाओ या लेट जाओ या बैठना है, जो करना है करो। उसके बाद वो जो पैडलर होता है वो वहाँ पे जाके सो जाता है, और क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भींगा हुआ था ना, तो उसके जो बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ये निकलने लगते, क्या बोलते हैं उसको, आग के पास बैठोगे तो क्या निकलेगा, पानी, वेपर बन जाएगा, तो उसके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा वेपर निकलने लगते हैं। उसके बाद जो रामजो आयरन मिल के जो मास्टर होते हैं ना, वो वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, इंस्पेक्शन मतलब सबको चेक करने की सब कुछ काम सही से चल तो रहा है ना, तो वो वहाँ पे आते हैं, तभी वो उस पैडलर पे ध्यान जाता है, तो वो गलती से मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, या फिर वो उस पैडलर को गलत इंसान समझ लेते हैं, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है उनके मिल के अंदर, ऑब्वियसली आयरन मिल के अंदर डार्क ही होगा ना, बस कुछ लोहा जल रहा होगा उसी का रोशनी होगा। तो वो जो मास्टर होता है ना, उनको लगता है कि वो जो पैडलर है ना, वो कोई उनका पुराना साथी या पुराना दोस्त है, या फिर वो कोई पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड है, मतलब वो पहले मिलिट्री में थे ना, तो उनको लगता है कि हाँ ये पैडलर उनका ही कोई पुराना साथी है। उसके बाद पैडलर भी सोचता है कि इनकी गलतफहमी दूर नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मुझे
गलत इंसान समझ रहा है तो समझने दो, मेरा क्या, मेरा तो फ़ायदा हो रहा है। सोच रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान मुझे कुछ क्रोनोस भी दे दे अपना दोस्त समझकर। इसलिए पैडलर नहीं बताता है कि वो कभी आयरन मास्टर को देखा भी नहीं है और उसके साथ कभी काम भी नहीं किया है। वो उसका गलतफहमी को गलतफहमी में ही रहने देते। उसके बाद आयरन मास्टर सोचते कि हो सकता है उसने रेजिमेंट को रिजाइन कर दिया होगा और उसके बाद उसकी ऐसी हालत हो चुकी है। इसलिए वो उस पैडलर को अपने घर आने के लिए इन्वाइट करते हैं, पर कितना भी मनाने के बाद पैडलर जाने को रेडी नहीं होता है, क्योंकि पैडलर को भी डर लगता है कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूं, क्योंकि अगर मैं इनके घर गया तो हो सकता है ये लोग पकड़ ले और ये लोग जान जाए कि ये मैं इनका पुराना साथी नहीं हूँ। तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा मना करता है और वो बार बार अड़ा रहता है। फिर वो बोलते हैं कि चलो यार साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, बट फिर भी वो नहीं जाता है और उसे अपनी 30 क्रोनोस की याद भी आ जाती है। वो सोचता है कि उसने चोरी किया और चोरी करने के बाद फिर से मतलब समझ रहे हो ना, फिर से कांड नहीं करना चाहता था, वो कोई प्रिकॉशन लेना चाहता था, वो कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता था, इसलिए वो बार बार मना करते थे। और इसलिए वो आयरन मास्टर भी लास्ट में हार मानकर वापस चला जाता है। और ये सब कांड होने के आधा घंटा बाद ही आयरन मास्टर की बेटी जिसका नाम एडला था वो आती है, इंसिस्ट करती है उस पैडलर से कि प्लीज आप मेरे साथ चले, मेरे साथ आ जाए, हम लोग साथ में मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। आयरन मास्टर अपनी बेटी को इसलिए भेजे थे आयरन मिल में उसको मनाने, क्योंकि वो मानते थे कि उनकी बेटी में काफी अच्छी पर्सुएशन पावर है, मतलब वो कोई भी लोग को इजीली काफी अच्छे से मना सकती है। अच्छा देखो देखो तुम्हें एक चीज बताना भूल गया, जैसे ही एडला अचानक से आती है ना उस पैडलर के पास, तो वो जैसे ही पैडलर के हैट उसके फेस से हटाती है तभी वो पैडलर, क्योंकि एक आंख खोल के सोता था ना, वो काफी चौकन्ना रहता था। अब वो चौकन्ना इसलिए रहता था क्योंकि वो यूजुअली घर के बाहर ही सोता था, उसका भी घर तो था नहीं, रोड पे सोता था, तो उसे आदत था एक आंख खोल के सोना। तो जैसे ही वो जो एडला आती है उसके ऊपर से हैट या टोपी जो भी होता है उसको हटाती है ना, तो वो तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है, वो काफी डर जाता है। फिर एडला अपना नाम बताती है और उसे इंसिस्ट करती है अपने साथ चलने के लिए। फिर एडला उसके फेस को ध्यान से देखती है, तो वो उसके फेस को देख के सोचती है कि पक्का इसने कोई चोरी की है या फिर ये कोई जेल से भाग के आया है, इसलिए ये इतना घबराया हुआ है। पर एडला बोलती है कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर मेरे घर आइए, हमारे घर आइए, और आप जितना फ्रीली हमारे घर में आएंगे ना उतना ही फ्रीली आप कभी भी जब भी आप चाहें हमारे घर से जा भी सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, बस आप हमारे साथ ये क्रिसमस डे एंजॉय कर लीजिए। और वो इतने अच्छे से पैडलर को बोलती है ना कि पैडलर को भी एडला पे यकीन हो जाता है और वो तैयार हो जाता है एडला के साथ उसके घर चलने के। कि वो जो पैडलर होता है यानी कि रेड ट्रैप सेलर, वो मना भी नहीं कर पाता है बेचारी छोटी सी मोटी सी लड़की पे। मजाक कर रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, लास्ट वाला लाइन लिखना मत कहीं पे भी, छोटी मोटी। और जब पैडलर साथ में उसके घर जा रहा होता है ना, तो वो मन ही मन सोच रहा होता है कि पता नहीं उसने क्यों उसका पैसा चुराया, मतलब उस क्रॉडलर का पैसा क्यों चुराया फालतू में। और वो सोचता है कि अब वो काफी गंदा वाला फंस चुका है, पर अब वो कभी भी इस ट्रैप से नहीं निकल पाएगा। के बाद जो अगला दिन होता है ना वो एक क्रिसमस ईव का होता है, और जो आयरन मास्टर होते हैं ना वो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो अपने दोस्त से मिलने वाले होते हैं, वो भी काफी टाइम बाद। जो आयरन मास्टर होते हैं ना वो अपनी बेटी एडला से कहते हैं कि वो सबसे पहले उस इंसान को अच्छे से ब्रेकफास्ट करवाएंगे, उसके बाद वो उसके लिए कोई अच्छा सा जॉब ढूंढेंगे ताकि फिर उसे कभी रेड ट्रैप ना सेल करना पड़े। तो इस बात पे एडला कहती है कि उसने जब उस पैडलर को देखा तो उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये कोई एजुकेटेड यानी कि पढ़ा लिखा इंसान है। तभी इस बात पे वो जो आयरन मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि तुम एक बार उसे अच्छे कपड़े पहन लेने दो, उसे अच्छे से ड्रेसअप हो जाने दो, नहा धोवा लेने दो, उसके बाद बिल्कुल ही तुम्हें एक नया पर्सन देखने को मिलेगा, तुम्हें बिल्कुल ही एक नया अलग इंसान देखने को मिलेगा। देखो जो कुछ बात छूट गई थी, जैसे कि एडला का पूरा नाम है एडला विलियमसन, और एडला जब पहली बार मिलती है पैडलर से तब वो अपने एक सर्वेंट के साथ आई भी रहती है, और उसका जो सर्वेंट होता है ना उसका नाम शायद वैलेट है, और उसके हाथ में एक फर कोट होता है जो कि वो बाद में उस पैडलर को हैंड ओवर कर देता है, मतलब दे देता है। और उसके बाद पैडलर जो होता है ना वो फर कोट पहनकर साथ में उसके घर जाता है। चलो ये बात तो मैं भूल गया था, अब कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद वो रूम का दरवाजा खुलता है जिस रूम में वो जो आयरन मास्टर होता है उसकी बेटी होती है, और तभी वो स्ट्रेंजर मतलब वो इंसान इंटर करता है जो कि ट्रूली क्लीन था, वेल ड्रेस्ड था, क्योंकि जो वैलेट था ना मतलब जो सर्वेंट था वो उसे नहला देता है, अच्छा से उसके बाल काट देता है और उसे अच्छे से सेव भी कर देता है। और उसने काफी गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स भी पहना हुआ रहता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि आयरन मास्टर का होता है, और वो एक वाइट कलर का शर्ट भी पहना हुआ रहता है जिसका स्ट्रेच्ड कॉलर होता है, और उस पैडलर ने एक होल शूज भी पहना हुआ होता है। पर ये अलग बात है कि उनका गेस्ट काफी अच्छा दिख रहा होता है, वेल ड्रेस्ड होता है, पर आयरन मास्टर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं क्योंकि वो उस इंसान को ध्यान से देखते हैं और वो पहचान जाते हैं कि ये उनका कोई पुराना दोस्त नहीं है, ये कोई उनका पुराना मेट नहीं है, बल्कि उस इंसान ने उनसे झूठ बोला है।
मतलब उन्होंने खुद गलती कर दिया है उस इंसान को पहचानने में, क्योंकि कल रात को अच्छे से लाइट नहीं थी और उन्हें मिसकंसेप्शन हो गया था और उन्होंने उस इंसान को गलत समझ लिया है। इसके बाद पेडलर भी एक्सेप्ट कर लेता है कि वो बस एक पुअर ट्रेडर है और वो उस फोर्ज में बस कुछ देर आराम करने के लिए आए थे। इसके बाद आयरन मास्टर धमकी देता है, मतलब धमकी देते हैं और कहते हैं कि इसके बाद वो अब पुलिस को बुलाने वाले हैं। इसके बाद पेडलर काफी गुस्सा हो जाता है, उसके बाद अपनी थॉट्स के बारे में बताता है कि ये पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है और इस दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो एक बेट है जिसके अंदर लोग फंसते जाते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो मैंने तुम्हें पहले भी बता चुका है। वो कहता है अगर अभी पुलिस आएगी और मुझे जेल में भी डाल देगी तो आयरन मास्टर तुम एक चीज याद रखना कि तुम भी एक बार इस दुनिया के ट्रैप में फंसोगे और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। तो इस बात पे वो जो आयरन मास्टर होते हैं ना वो हंसने लगते हैं, हा 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 हा, और वो कहते हैं कि वो अब पुलिस को नहीं बुलाएंगे बल्कि तुम बस यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। और इडला जो होती है ना वो उस स्ट्रेंजर को बाहर जाने से रोक लेती है और कहती है कि पापा मैं चाहती हूँ कि ये जो स्ट्रेंजर है ना, मतलब वो जो पैडलर है, आज रात को यहीं पे रुकना चाहिए, क्योंकि आज सुबह वो काफी खुश होती है कि वो एक होमलेस पर्सन के लिए काफी कुछ करने जा रही है। और हो सकता है वो आयरन मास्टर का दोस्त नहीं है पर वो एक होमलेस पर्सन तो है ही, इस थॉट से काफी खुश होती है, इसलिए वो उस पैडलर को जाने नहीं देना चाहती थी। और वो ये भी कहती है कि जो पैडलर होते हैं ना ये दुनिया में हर जगह इधर उधर भटकते रहते हैं और ये कहीं पे भी ऐसा फील नहीं करते कि ये उनका घर जैसा जगह है। और साथ ही साथ हमें ऐसा भी किसी के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए कि हम उन्हें क्रिसमस में अपने घर बुला रहे और अचानक से उन्हें ऐसे इल ट्रीट करके घर से निकाल दे फिर भेज दे। और ये सब होने के बाद वो जो आयरन मास्टर होते हैं ना वो भी उस इंसान को अलाउ कर देते हैं कि हाँ तुम रह लो भाई एक दिन के लिए, आज भर के लिए, आज क्रिसमस ईव है, मजे कर लो, कल चले जाना। के बाद वो जो रैट ट्रैप होता है ना वो सुबह में ब्रेकफास्ट करने लग जाता है, लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं। के बाद वो सोचने लग जाता है कि लड़की है ना वो उसका इतना सपोर्ट क्यों कर रही है, उसकी तरफ से इतना क्यों बोल रही है। और उसके बाद ऐसा उस दिन कुछ खास नहीं हुआ क्रिसमस के दिन, अलग बात है कि वो जो पैडलर था ना वो दिन भर अपने गेस्ट रूम में सोया रहा और ऐसा लग रहा था उसको देख के कि वो कई सालों से ढंग से सेफली सिक्योरली और इतना शांति से नहीं सोया है। उसके बाद जब क्रिसमस ट्री को लाइटिंग अप करने की बारी आई तभी पैडलर कुछ देर के लिए आया, ये सब कुछ देखा और उसके बाद फिर से डिसअपीयर हो गया, मतलब गायब हो गया। और उसके बाद फिर से वो 2 घंटे के लिए सोने के लिए चला गया। उसके बाद वो डायरेक्ट डिनर करने आता है, लोगों को थैंक यू बोलता है और गुड नाइट बोलता है। और जब वो एडला को भी सेम कुछ कह रहा होता है, मतलब गुड नाइट बोल रहा होता है और थैंक यू बोल रहा होता है, तो एडला कहती है कि ये जो सूट जो आपने पहना हुआ है ना ये आप परमानेंटली रख सकते हो और ये उनका फादर का कोट है और ये उन्हें एक क्रिसमस ईव की गिफ्ट की तरह समझकर रख सकते हैं और अगर वो अगले क्रिसमस वापस यहाँ पे आना चाहे ना तो वो वापस आ भी सकते हैं। के बाद ये जो पैडलर होता है ना वो काफी ज्यादा अमेज्ड हो जाता है एडला का ये बिहेवियर देखकर। एडला उसके साथ इतना ज्यादा काइंड बिहेव कर रही थी जो शायद आज से पहले किसी ने उसके साथ नहीं करा होगा। के बाद अगले सुबह वो जो आयरन मास्टर होता है और उनकी बेटी जो होती है एडला, वो लोग दोनों सर्विस के लिए चर्च जाते हैं और इस टाइम पे वो जो पैडलर होता है ना वो सोया हुआ ही रहता है। और तभी जब वो लोग चर्च जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने क्रॉडलर के 30 क्रोनोस चुरा लिए हैं। वो चोर कोई और नहीं बल्कि एक रैट ट्रैप सेलर था। और ये बात सुनकर एडला काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। और वो लोग जब वापस घर आ रहे होते हैं ना तो एडला के फादर आयरन मास्टर एडला से कहते हैं कि देखो तुमने किसे घर में ठहरने के लिए रोक के रखा है, एक चोर को, पता नहीं उस चोर ने कितना सारा सामान हमारे घर से चुरा के रख लिया होगा। उसके बाद वो लोग जब घर पहुंचते हैं ना तो सर्वेंट बताता है कि वो जो पैडलर होता है वो घर से जा चुका है और उसने घर से एक रत्ती भी मतलब कुछ भी चोरी नहीं करा है। साथ ही में उस पैडलर ने मिस विलियमसन यानी कि एडला के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी छोड़ा है। और जैसे ही एडला उस प्रेजेंट को खोलती है ना उसे देखकर ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ और नहीं, गेस करो क्या होगा, गेस करके जल्दी से कमेंट करो, वीडियो को पॉज कर देना, ओके मैं बोल देता हूँ, उसके अंदर एक रैट ट्रैप होता है और उस रैट ट्रैप के अंदर 3 10 क्रोनोस के नोट, मतलब 30 क्रोनोस होते हैं। साथ ही में एक लेटर भी होता है और उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ होता है तुम लोग जानना चाहोगे। एडला ने उसे इतना अच्छे से ट्रीट करा ना कि जैसे वो सच में कोई कैप्टन हो या फिर उनके फादर का कोई बहुत ही अच्छा दोस्त हो, हालांकि वो नहीं था। फिर भी एडला का जो बिहेवियर था ना उसके प्रति, उसके वजह से वो एडला को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उन सारे पैसों को वापस छोड़ के जा रहे जो उसने चुराया था। वो चाहता है कि वो उन सारे नोट्स को वापस उस क्रॉडलर को दे दे और वो नहीं चाहता कि एडला इस अफसोस में रहे कि उसने एक चोर को अपने घर में रखा था। फिर वो कहता है कि उस क्रॉडलर ने वो जो पैसे थे ना उसे एक खिड़की के बगल में पाउच में रख रखे थे जो हम जैसे गरीब के लिए एक ब्रैट का काम करता है, मतलब वही लालच का काम करता है। वो पैडलर कहता है कि बस एडला के वजह से ही वो इस रैट ट्रैप पे फंसने से बच गया। के बाद वो लिखता है कि ये छोटा
सा रैट ट्रैप तुम्हारे लिए प्रेजेंट है एक रैट की तरफ से, जो कि इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस चुका होता अगर जो इडला है ना वो उसे एक कैप्टन की तरह, अगर वो उसे अपने डैड की फ्रेंड की तरह ट्रीट नहीं करती तो। और वो ये भी लिखता है कि तुम्हारे इस प्यारे से, मतलब तुम्हारे इस बिहेवियर के कारण ही मेरे अंदर इतना ज़्यादा चेंज आया है और मैं अपनी अंदर की बुराई को क्लीन कर सका हूँ, और इसलिए ये रैट ट्रैप तुम्हारे लिए मेरे तरफ से एक क्रिसमस ईव प्रेजेंट है। और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो देखो ये जो चैप्टर है ना, ये मतलब एक डिटेल एक्सप्लेनेशन ही समझो, ठीक है। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने छोड़ दिया है, बट हाँ मैंने वर्ड बाई वर्ड एक्सप्लेन नहीं करा है, लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन करा है, ऐसा समझ लो तुम लोग, ठीक है। कुछ खास स्किप नहीं करा है, अनवांटेड चीज को, कुछ कुछ चीजों को हटा दिया है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार, कर ही देना यार, हर बार ऐसे बोलना पड़ता है अच्छा लगता है यार, बताओ भीख मांगना पड़ता है, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगता है, नहीं ना कर दिया करो, कुछ से कर दोगे तो नहीं मांगना पड़ेगा ना भी। तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।